लागी का मार्ग ओर है, लगे चोट काल जा करके। तो इसी आधार से श्रृंगी ऋषि ने अमृत क्रिया को सिद्ध किया। जैसा कि ये संत बताते हैं, ये तो इनको तो कख भी पता नहीं अमृत क्रिया क्या होती है। ताल्लुक का जीभ लगा लो ऐसे मोड़ कर, और कहते हैं फिर ताल्लुक से अमृत टपकेगा। ये तो लाल टपके हैं, अमृत थोड़ा टपकेगा इससे, बकवाद करें। ये एक ऐसी क्रिया है जैसे जीभ को वापस मोड़ेंगे और तालू के लगाने की हम चेष्टा करेंगे तो हमारी नाड़ियां कसती हैं जो जीभ से और मस्तिष्क से संबंधित हैं। हमारे इस शरीर के अंदर, इस तालू के ऊपर, ये जो तालू है लटक रहा है हमारे, इसके ऊपर एक थोड़ा सा स्थान है, वो कम प्लेस है, और उसके अंदर एक अमृत भरा रहता है सदा, और वो अमृत वहाँ से सीधा चल के नीचे जाता है नाभि के पास, ऑटोमेटिक चल रहा है वो, और उसको एक कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी शक्ति बोले नागिनी कहा संतों ने, उसकी दो जिभ्या हैं सर्प जैसी, और वो उस अमृत को वो पीती रहती है, शरीर में नहीं जा पाता, वो उसको चूस करके नष्ट कर देती है। उसके अंदर एक ऐसी क्रिया है। तो फिर क्या होता है, जब हम श्वास क्रिया को अभ्यास करते हैं श्वास का, और वो श्वास के साथ ऐसे खड़ी है, ऐसे उसका नाभि के जहाँ वो अमृत टपकता है ऊपर से जाकर नाभि के पास, उसका मुंह बिल्कुल उसके ऊपर है ऐसे, और जब हम श्वास क्रिया का अभ्यास करेंगे उस श्वास क्रिया से उसका मुंह ऐसे नीचे को हो जाएगा, और फिर वो अमृत जो है पूरे शरीर में जाना शुरू हो जाएगा। श्वास क्रिया से तो उसका मुंह टेढ़ा होगा, ऐसे नहीं रहेगा ऊपर को, वो ऐसे मुड़ जाएगा नीचे को, जो ऐसे टपक रहा था अमृत उसको वो खा रही थी, फिर वो ऐसे हो जाएगी, उस पर उसके मुंह पर नहीं जाएगा। ये तो श्वास क्रिया का लाभ मिलेगा। और फिर जो हम तालू पर जीभ लगाने की चेष्टा करते हैं, उससे क्या होगा कि इस तालू के ऊपर एक स्थान है जहाँ पर ये अमृत भरा रहता है, लिक्विड सा है ये, उसके नीचे वो एक जैसे इसको अर्ध छोटा सा बेर होता है, बेर का फल, बेरी का फल, उसको आधा काट दे, साफ कर दे, इतना सा है वो, ऐसे आधा कटा हुआ, और उसके बिल्कुल नीचे एक वाल है, वाल, और उसके ऊपर एक छोटी सी नाड़ी टिकी हुई है जो उस वाल के सुराख को रोक रही है। तो उस अभ्यास करने से, तो श्वास क्रिया से तो नागिनी का फन नीचे को हो जाएगा, और फिर वो नीचे जाना शुरू होगा, और जिस रास्ते से फिर वो जाएगा वो उस नागिनी के हाथ नहीं लगेगा, वो पूरा शरीर में व्याप्त हो जाएगा, एक स्वाभाविक ओर फ्लो होकर के वो छोटा सा जो आधे बेर का जितना स्थान समझो खाली, ओर फ्लो होकर जब जाता है तो वो नागिनी के मुंह पर गिरता रहता है। तो अब वो चाहे उस सुराख से जाएगा और चाहे वैसे ऊपर के ओर फ्लो होकर जाएगा, तो उस कुंडलनी जो नागिनी है उसके नाभि के चारों तरफ, नाभि के पास हमारी सभी पूरे शरीर की नाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, उनका एक ऐसा बंध है वहाँ पर, उसके ऊपर वो ऐसे लपेटी हुई है जैसे आपने देखा हो वृक्ष के ऊपर बेल होती है पीली सी, तो
तो ऐसे वो लपेटा लगाए रहती है, उसको नाड़ियों में नहीं जाने देती और ऊपर से जो आता उसको स्वयं चूस लेती है, तो फिर वो नाड़ियों की जकड़ ढीली कर देती है, वो अपने आप मुरझा जाती है क्योंकि श्वास की क्रिया से वो बंद हो जाती। और फिर उससे जो हम जीभा का अभ्यास करते हैं, जो तालु है ऊपर जहाँ सरोवर है जिसको मान सरोवर कहते हैं शरीर में, जहाँ पर यह अमृत भरा हुआ है, उसका नीचे का सुराख थोड़ा सा खुल जाता है, उससे फिर अमृत टपकना प्रारंभ करता है। अब कहने का भाव ये है कि ये सारा कुछ भी हो गया, आपकी कुंडलनी शक्ति भी जागृत होगी और वो नागिनी भी दबगी नीचे को होगी और उधर से आपकी अमृत क्रिया भी सिद्ध होगी। फिर अब क्या होगा, उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर ज्यादा भोजन आहार की आवश्यकता नहीं रहती, शरीर बगैर खाए भी वर्षों तक रह सकता है, और भक्ति से ही मिली नहीं तो एक एक लाख वर्ष तक बैठ कर चले गए, फिर गधे की योनि पाई, इन क्रियाओं से क्या लाभ हुआ। जैसे खेत संवार लिया, बा दिया, घास उसका अड़ंगा खत्म कर दिया और खूब, और बीज बोया नहीं, बीज है नहीं, गेहूं के स्थान पर भांग बोली, यानी सतमंत्र ना जाप करके अन्य मंत्रों का जाप कर लिया, वो भांग बो दी, तो भांग जीवन रक्षक नहीं है, जीवन नाशक है। तो अन्य मंत्रों से सिद्धियां आ गई इन ऋषि महर्षियों के पास, जो इनके जीवन की नाशक बन गई। आम जनता में तो ये ऐसे हो गए जैसे प्रभु पाक गए, आम जैसे जन साधारण के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, जैसे अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में डड़े डोके एक सिद्धि प्राप्त की, सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया, और फिर प्रार्थना करने पर इनको वापस छोड़ दिया, तो फिर क्या अमर हो गया। आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी पहाड़ है, एक क्विंटल पानी नहीं पी सकता एक आदमी, तो 10 किलो मुश्किल तो पिया जा को गढ़ाए अमर पड़ के, और उसने सातों समुद्रों को पी लिया, तो जन साधारण के लिए तो भगवान से दो गया वो, लेकिन कख नहीं था, वह आत्म ज्ञान की तराजू में उसको तोल कर देखेंगे, माइनस जीरो था वो।